इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की रविवार शाम हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद व 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी नामजद आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके राठी की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं राठी हत्याकांड से पहले का एक CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश सफेद रंग की कार में दिखाई दे रहे हैं। नफे सिंह राठी व उनके सहयोगी जय किशन के शव नागरिक अस्पताल में पहुंचाए गए हैं, जहां पोस्टमार्टम होगा। लाइन पार थाना बहादुरगढ़ में गाड़ी चालक व नफे राठी के भांजे राकेश उर्फ संजय के बयान पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया कि 5 हमलावर थे। पुलिस ने चालक राकेश उर्फ संजय के बयान पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी और चाचा ससुर करमवीर राठी, देवर कमल राठी, पूर्व मंत्री मांगे राम राठी के पुत्र सतीश राठी, पोते गौरव व राहुल व 5 अन्य खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि हमलावर बोले कि तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर इनके घर बता देना कि नरेश कौशिक, करमवीर राठी, सतीश राठी आदि के खिलाफ कभी भी अदालत गए तो सारे परिवार को जान से मार देंगे। नामजद आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया गया। बहादुरगढ़ लाइनपार थाना में मुकदमा नंबर 36/26/2024 को IP की सिधारा 147, 148, 149, 307, 302, 120B, 25, 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2000 के हरियाणा विधानसभा में नफे सिंह राठी को कड़ी टक्कर देने वाले उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और किसान नेता रमेश दलाल ने आशंका जाहिर की कि नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे कोई बड़ी सुनियोजित साजिश अवश्य है। जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया और ट्रेंड शार्प शूटर्स को इस घृणित कांड में लगाया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि हत्या के पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। चुनाव नजदीक आने पर सरेआम जनता के बीच अगर राजनीतिक नेता की हत्या बिना प्रभावशाली राजनीति नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं हो सकती। रमेश दलाल ने कहा कि घटना के समय और स्थान से एक गहरी साजिश की बुआ रही है। दलाल के अनुसार हत्यारे इतने बेखौफ तभी हो सकते हैं जब उनके पीछे कोई बड़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली मदद का भरोसा हो। रमेश दलाल ने कहा कि पुलिस हत्या के पीछे के साजिश को तुरंत बेनकाब करे, क्योंकि राजनीतिक नेता की इस तरह सरेआम बेखौफ तरीके से की गई हत्या, पूरे हरियाणा में असुरक्षा का डर फैल गया है। यदि हत्या के पीछे साजिश को जल्द ही बेनकाब नहीं किया गया तो अपराधियों के हरियाणा प्रांत में हौसले बुलंद होंगे। दलाल ने कहा कि वो इस दुख की घड़ी में नफे सिंह राठी के परिवार के साथ खड़े हैं और निजी रूप से मेरे लिए आघात है, क्योंकि मैंने अपने एक कॉलेज के साथी को खोया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।